इतना मेरे सर में हो गया ना दर्द, मुझे सर दर्द के बाद हो गया जुकाम, जुकाम के बाद नजरा लग गया। अचानक बिलावल, ओए बिलावल हेलो, आज पता मेरे साथ क्या हो गया, तू पूछने नहीं आया मेरे को, आज मेरा इतना सर फटने लग गया, कसम से मर के आ गया, मैं सांस भी नहीं लिया जा सकता। बस चक्कर आ रहा है यार, बड़ा दर्द हो रहा है यार, तू मेरे ये सर पे बांध ना यार, मैं इधर ना बैठता हूँ, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई यार, सर बांधना यार। और कर राज लिए ओ भाई इधर, ओ यार इधर बांध, मरीज के साथ मजाक बना ओ इधर बांध, लोगों ऊपर से चले गए यार। ये ना हम हॉस्पिटल आ गए हैं, इधर हॉस्पिटल नहीं है, ये ना हमारे इधर हेड पड़ जाती है, हेड पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। थोड़ा सा ना यार बड़ी तबीयत ख़राब थी, मैंने कहा थोड़ा सा इंजॉय वगैरह करते हैं, और ना ये बच्चे का ब्रेकअप हो गया था, इसको मैं इधर लेके आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जो भाई हमें ना कमरे में किधर लेके जा रहे हैं भाई? कमरे में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो फ्रेश वगैरह होना था ना थोड़ा, ये देख लें हमारे इस्तकबाल के लिए भाई आए, बहुत शुक्रिया भाई जान, लेमन शेमन मंगवा लें, कितना प्यारा बेड शेड लगा पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो बेटा? जा और ये गर्मी, अच्छा लैंप है पड़ा, मैंने कहा वो ना हीटर चला दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है कि भैया आप लोग सब ठीक ठाक हो, खैर खैरियत से। मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी ये आँख देखें नजर आ रही है भाई, मुँह भी नहीं धोए और अभी आया हूँ, इसके घर आया हुआ था मैं। आज के व्लॉग इधर से शुरू कर रहे हैं, इसका मेहमान बना हुआ था मैं, सारा ज़बरदस्ती मेहमान बन रहा हूँ सबका, और इसके घर आया हूँ और रात को सोया पड़ा था। और ये देखे गाइस, मैंने सोचा, मैंने कहा आप तुम लोगों को मैं दिखा दूँ, मेरे सारे आँख सूज गए, पता नहीं क्या हुआ, इधर वाली ठीक है, इधर वाली देख लें गाइस, बेड़ा घर को पड़ा, पर कितनी क्या चीज़ लड़ गई है या क्या हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रही, दुआ करो ठीक हो जाऊँ, नहीं तो मैं ऐसा ऐसे मेरी आँख बंद हो जाएगी। और बाकी भाई इधर आया हूँ यार, गर्मी हर जगह पे काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी जीने नहीं देती, और ये गर्मी में चाय लेके बैठे हुए भाई, पहले इतनी गर्मी है ना, पर चाय नहीं छोड़नी, अभी नाश्ता वगैरह किया इसके पास, तो इधर से लग रहा है झड़ वगैरह आ रहा है, बट पता नहीं, अल्लाह खैर करे, यकीन तो है रब तक कि शायद बारिश आज आ जाए और आ जाए। तो आज के भी लोग यार बड़ा ही फैंटास्टिक होने वाला, क्या होने वाला ना आपको ही पता ना मेरे को पता, निकल लौड़े यार, कसम से मौसम बड़ा प्यारा बना खड़ा, थोड़ा सा ये बादल डूबी करा देना, बारिश आ जाए ना, मज़ा आ जाए देखने गाइस, ऊपर ये सूरज जी जीने नहीं दे रहा, बादल साइड पे बहुत प्यारे प्यारे बने हैं, बारिश आ जाए ना कसम से यार, गर्मी बहुत है, पसीना पसीना हो जाते हैं, और पसीने की नहीं स्मेल हमारे से जैसे कुत्ते मरे की स्मेल आती है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और ये कब मौसम बनेगा यार, बन जाए ना कसम, मज़ा आ जाए, आज के व्लॉग हमारा बढ़ ना जाए कहीं ना कहीं, आज यार इधर कहीं ले चल यार अच्छी जगह पे, नरान का गान ले चल, पहले भी प्लान करते हैं कैंसिल कर देते हैं, इससे अच्छा दुबई का प्लान कर लेते, चलो वो कैंसिल होता, चलो खुशी तो होती भी, दुबई का प्लान हमने बनाया था। ये देखें भाई गाई, गर्मी से चलते हुए ना चार पाई इधर पड़ी हैं, इधर से गाड़ियाँ गुजरेंगे, इधर हवा लेंगे, तकिया मेरा यार उसको पता करने यार, इधर आया ना नेट, इधर नेट ही नहीं चल रहा मेरा कसम से ना, वो क्या कहते हैं इधर बिल्कुल बकवास नेट चल रहा है मेरा, और नेट गैस का इधर है ही नहीं, व्लॉग वगैरह पोस्ट करना होता है, और ये यार पता करें बच्चा वगैरह का, तो यार कसम से यार इधर ना जोंग का चलता है, और खंबा देखें सर के ऊपर खड़ा हुआ है, सर के ऊपर सिग्नल बकवास, ये पाकिस्तान के हालात, इसलिए मैं दुबई जा रहा हूँ पाकिस्तान को छोड़ के, सर पे खंबा खड़ा है, व्हाट्सअप तक नहीं चल रहे मेरे, क्या करूं यार ये हालात आ गए, अब उधर से गर्मी की वजह से हम इधर आ गए, शायद भाई को छोड़ के इसको डिवोर्स दे के ना इधर आ गए हम, ओह ठंडी मीठी हवा आई है, कोई गाड़ी यहाँ से ज़ोर से गुजरेगी वो हवा हमारे मुंह पे पड़ेगी यार कसम से ना, दो घंटे अभी सोया पड़ा रहा था यार कसम से, बाहर नींद आ गई थी खुदा की कसम है यार, अभी उठाऊँ मुँह भी नहीं धोया, वही नाश्ता किया था खा पी के फिर आ गए इधर आया था, हवा चल रही थी, मौसम वही अच्छा बना, दो घंटे सो गए, मैंने भाई को कहा इधर से दही ले यार, लस्सी बनाए, लस्सी का बड़ा दिल कर रहा है कसम से ना, कुछ सुकून आएगा, तो अभी यार भाई दही ले रहा है,
लस्सी बनाते कसम से पीते हैं, फिर सो जाते हैं यार। आज नींद बड़ी आई हुई है क्योंकि आज इधर आया हुआ था मैं घर पे 10 बजे उठता था, इन्होंने मेरे को 6 बजे उठा दिया। तो यार कसम से यार बेतहाशा नींद आई है यार। ये नहीं यार मुंह धोना यार, पूल होए। सुबह सुबह मैं 10 बजे तक ना सोऊं ना तो मेरी नींद नहीं पूरी होती। अब 6 बजे उठाऊ और नाश्ता वगैरह किया ना तो उसके बाद नींद आने लग गई मेरे को। 2 घंटे सोकर अब 10 बजे गया, फिर नींद नींद सी आ रही, पतरी यार बेचैनी सी आज बड़ी हो रही है, सुकून नहीं आ रहा यार कसम से। अभी नमाज का टाइम होगा, थोड़ा नमाज पढ़ेंगे, थोड़ा चार्जर हो जाएंगे, बैटरी हमारी फुल हो जाएगी, सुकून आएगा फिर। यम गाइस लस्सी होगी चार जग भर के आ गया है। ये देखो पुराने दिनों वाले गिलास आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यार कसम से लस्सी की प्यास थी, पी ली है यार। मौसम आज काफ़ी कसम से अच्छा बन जाए ना यार, मज़ा आ जाए यार। मेरे ना इतने सर में दर्द है ना, इतना मेरे को नहीं समझ आ रही, मेरी सर में इतना दर्द हो गया ना कसम से, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई यार कसम से यार। भाई के पास आए, भाई मोबाइल में लगे, इनको मेरी फिक्र बिल्कुल नहीं है, इतना सर में दर्द है, तबीयत ख़राब। पहले गला ख़राब था, पत्नी इतना जलन कर रहा था, और पत्नी लस्सी वगैरह भी पिए, मीठी पिए, फिर भी यार सुकून नहीं आ रहा यार, इतना सर में दर्द हुआ खड़ा है। और मैं पहले सोया पड़ा रहा हूँ, उसके उधर गया था, उधर जाके मुझे नींद आ गई, 2 घंटे सोया पड़ रहा हूँ। अब माशाल्लाह अल्लाह का करम हुआ है, थोड़ा सा मौसम अच्छा बन रहा है, बारिश आ जाए ना। हाँ तेरा क्या ख्याल, बारिश आएगी हैं? सुबह का तू कह रहा आएगी आएगी, 11 बजे का तूने बताया था बारिश आएगी, आ जाएगी यार। मौसम डूबी बादल डूबी करा रहे हैं, और पता नहीं ये बारिश आती है कि नहीं आती, ये बाल से पूछते हैं कि बारिश ले आएगा कि इसको पता होगा। ये जो होते हैं ना, जो वेदर वगैरह जो होते हैं, इंटरनेट से पता लगता है ना यार, काफ़ी जो सारे बकवास होते हैं। हालांकि कुरान में बताया अल्लाह ने बताया कि बारिश और ये मौत, ये मतलब क्या कुछ ऐसे था ना कि किसी को भी नहीं पता कि कब और किस वक्त आएंगे, ऐसे बताते हैं। कब के कह रहे थे पहले जून जुलाई में ये बारिश आ रही हैं। अभी मौसम बने लाहौर में आ रही, इधर तो आ ही नहीं रही भाई। इधर कुर्बान भी लोग बनाने होते, इतनी गर्मी में बेचारा मर जाता और बारिश ही नहीं आती। अभी यार ये नमाज का टाइम वो होने वाला है, बस इधर खड़ा हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद आज का भी लोग बड़ा फंटेस्टिक करते हैं, तो क्या करते हैं मेरे को समझ नहीं आ रही। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज ना मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है ना, सर में दर्द है कसम से, चला ही नहीं जा रहा, फिर भी यार पैदल जा रहा हूँ। देखेंगे जहाँ तक उसके घर से लेकर इनके साथ मौसम इंजॉय करना था यार, इतनी तबीयत ख़राब है ना मेरी, तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है मेरी, सर में दर्द है, गला ख़राब है, चला नहीं जाता, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया अचानक एकदम मेरी ना यार तबीयत ख़राब हो गई है, चक्कर आ रहे हैं मेरे को यार। अब ना फिर भी वीडियो बनाने के लिए इस बंगले के अंदर जा रहे हैं, हमसे रहा नहीं जाता वीडियो के बगैर, कीड़ा सट मारता है हमें। और देखे इनको उठा के अभी सोए पड़े थे, देख कितना अच्छा प्यारा मौसम बना हुआ है, देखना गाइस कितना प्यारा मौसम बना हुआ है, अच्छा सा इधर हम आए हैं। और कसम से यार बेड़ा गर्क हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, और ये क्या ट्राले का भी बेड़ा गर्क हो गया सारा टेढ़ा हो गया पीछे से ट्राले का बेड़ा गर्क हो गया। और मेरा खुद जब भी अच्छा मौसम बनता है मैं सोचता हूँ अच्छा मौसम बने और मैं अच्छा सा व्लॉग बनाऊँ, और आज नज़र लग गई यार इसकी मेरे को ना कसम से, पता नहीं इतना सर दर्द कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं यार, समझ नहीं आ रही। अब इधर आए हैं हम वीडियो वगैरह बनाने के लिए कसम से, अब कपड़े वगैरह नहीं लाए, लड़की वाली वीडियो ही नहीं बनाते होते हम, कोई लड़की वाली वीडियो बना ले दिल करता उस गद्दे को ले आऊँ। कितना प्यारा मौसम, ठंडा ठंडा, सर्दियाँ आ जाए मज़ा आ जाएगा। और हमने कहा सोचा आज व्लॉग भी हम बना लें और यार वीडियो वगैरह भी बना लें। अब ये बंगले वाले सोए पड़े हैं,
पता नहीं अंदर जाने देते हैं कि नहीं, जा तो रहे हैं हम अब अंदर। वो इससे नहीं पूछते, ऐसे चले जाते हैं, कुछ जाते हैं। सोया पड़ा है, सब आए होंगे यार। चलो उधर चले जाने हैं गाय, जो साहब वगैरह आए हुए हैं। यार बंगला है किस चीज का साहब, इधर क्या करना है? सर रेस्ट करने, रेस्ट करने को कौन से अफसर हैं? चला उधर भैंसों के पास जाते हैं। यार हमने वीडियो वगैरह बनानी थी, सर फट रहा है हमारा यार, दिल नहीं कर रहा यार, अब क्या वीडियो बनाऊं यार, बड़ा सर दर्द कर रहा है, तबीयत खराब हो गई मेरी आज कसम से। पहले कभी नहीं जैसे मर्जी होता था व्लॉग बनाया करता था, अब बड़ा बीमार हो गया यार। यार ये क्या चढ़ गया, कंडे लग गया मेरे पाँव पे। चलो भाई आ गए हम इधर, इधर ठंडे ठंडे मौसम। आए हाय हाय, मरी मरी बना पड़ा ये देखो। यम गाइस, ओए कुत्ता पे ही ना जाए। देखिए इधर बैठते हैं, कौन है अब? हमें नहीं है। अच्छा मैं नहीं है, आ जाओ इधर बैठ जाओ। ये क्या है यार, आए हाय कितना प्यारा मौसम, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ से कसम से। आए हाय इधर पानी बोतलें वगैरह स्टिंग मटिंग यार, मौसम अच्छा है यार, तबीयत खराब है शायद मेरी यार, क्या करूं यार, सर फट रहा मेरा को, जरा सबर करो, बड़ा दर्द हो रहा है यार। तू मेरे ये सर पे बांधना यार, मैं इधर ना बैठता हूँ, मेरी तबीयत काफी खराब हो गई यार, सर बांधना यार से ना से। हाँ सर में बड़ा दर्द है यार, इसको बांध देना इधर, चक्कर आ रहे हैं यार, पकड़ना यार गाइस। अरे ऊपर किधर है, बाल खींचे जा रहा है, इधर से बांध देना इसको। वीडियो बना रहे हैं हम भाई, वीडियो बनाने आए थे, नाचने गाने वाले यार, बढ़ गया प्रोग्राम भाई। ये पूछने आए हैं मेरे को, कुछ ले आए हो पूछने के लिए? खाली हाथ आए हो, क्या करने आए हो? यार जोर से और बांध देना पीछे से, जो बाल मेरे सार किधर कर रहे हैं, इधर से खींच, ऐसे जोर से बांध, थोड़ी जोर से कर दे, ऐसे थोड़ी नीचे से, हाँ और थोड़ से कर। मेरी आँखें किधर भाग गई हैं, इधर से आराम से जोर से करना, जोर से कर, हाँ जो और कर राज लिए। ओ भाई इधर, ओ यार इधर बांध, मरीज के साथ मजाक बना, ओए इधर बांध लो, ऊपर से चले गए यार, बड़ा सर में दर्द हुआ, बड़ा कसम से चक्कर आ रहा है, सर भी नहीं हिलाया जा रहा। ये अब इसे ये नहीं बांधी जा रही, ये नहीं बनी जा रही, बांध इधर, हाँ ऐसे पीछे से, पीछे से बांध ऐसे, हाँ फिर उतना जावन देवी, ठीक है जोर 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 से करना, एक मिनट, दर्द इधर उधर हो जा रहा है ना सारा। हाँ 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 मजा आ रहा है, बस चक्कर आ रहा है। क्या हुआ है? चक्कर आ रहा है मेरे को यार, ज्यादा जोर से बांध दिया जा आंखों के ऊपर, ऐसे लग रही है यार। अब सही है यार, देखो यार ये मरीज की हालत हो गई मेरी, जुकाम भी लग मेरे ख्याल हो रहा है मेरे को, ऐसे लग रहा है जैसे जुकाम है, और लिया नहीं जा रहा, डॉक्टर को बुला जल्दी, एम्बुलेंस को बुला जल्दी 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 जल्दी। ये तो नॉन पीटी तेरा फ़ोन है, इसमें कॉल कैसे जाएगी, जल्दी एम्बुलेंस को बुला यार। कुछ बुला यार, यार मैं अब घर जाता हूँ, कुछ देर आराम करता हूँ, उसके बाद यार कुछ देखता हूँ यार, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। आ जाओ यार, वो चलें यार, हम इधर गाय जाए थे, तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई यार, इधर वीडियो वगैरह बनाने आने के, कितना प्यारी जगह है, बड़े मरी 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 बना पड़ा है, मतलब कश्मीर है। तो अब हम घर जा रहे हैं यार, सर फट रहा मेरा, बड़ा सर में दर्द आ, तबीयत ख़राब हो गई, प्रोग्राम बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। भाई साहब अब ना यार, बेचैनी की वजह से, बेदर्द की वजह से, इतने दर्द था सर में,
करते हुए जा रहा, मैं वापस जा रहा हूँ कसम से। बड़ी तबीयत खराब हो गई है, हवा इतनी चल रही है ना, शोर रिकॉर्ड भी नहीं होता, पता नहीं होता ही है कि नहीं होता यार। इतनी तबीयत खराब हो गई है ना, वापस जाने लगा हूँ। ये डॉक्टर के पास मेरे को लेके जा रहे हैं, ऑनलाइन डॉक्टर मंगवाया, वो आ रहा है, उठा जाएगा मेरे को। सर में दर्द काफ़ी ज़्यादा कसम से, पता नहीं या समझ नहीं आ रही हुआ क्यों है, होता क्यों है। A few moments later. Guys, मैं ना हम इधर थोड़ा, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मैं सो गया था, तो अभी नमाज पढ़ी असर टाइम की, पहले मैं सारा सोया पड़ा रहा था, और अभी ये मैंने ना एम्बुलेंस मंगवाई है, तो एम्बुलेंस ये आ चुकी थी मुझे लेने के लिए। भाई मेरी है ना, हम थोड़ा जा रहे हैं थोड़े पार्टी इंजॉय करने के लिए, भाई थोड़ा सा परेड हो जा। तो यार अभी ना तबीयत काफ़ी ख़राब है मेरी। ये वही गाड़ी है ना जिसने एम्बुलेंस है, ये मेरे लिए तो एम्बुलेंस है क्योंकि मैं अभी मरीज हूँ, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, मत दिमाग करो मेरा। तो गाइस अब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, दुआ करना। ये वही गाड़ी जिस दिन तुमने ठोकी थी गाड़ी, ये वही गाड़ी है जो ठोकी थी मैंने। अच्छा भाई ने बनवा ली, ये कह रहे बनवाई। कितना खर्चा आया था? 45,000 रुपया। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मतलब वो कह रहे, मैं तो नमाज पढ़ के, मैं तो वो नहीं बोलता, मतलब मैं तो नमाज पढ़ के मैं 45 नहीं बोलता, वो कह रहे 45,000। भाई ये बंद कर दे गाने सर में, पहले मेरा बहुत दर्द है, बंद कर दे यार, कोई खुदा का खौफ कर ले, नमाज पढ़ी नहीं है, कपड़े शपड़े पहन के आ गया, नमाज ही नहीं पढ़ता यार ये। अब इसको मैं नमाज पे ले जाऊँगा, तारिक जमील के मदरसे में इसको कहता सिखवाते, फिर पढ़ेगा दीन के समझाएंगे। याद कहता दरबार में सारे छोड़ गए भाई, रात रात वाइस करता, मुझे रोटा आ रहा है, मुझे सारे छोड़ गए, तुम भी छोड़ गए, अकेला रह गया। मैं भी वाइस सुनाऊंगा आपको ना, उधर पहुंच के हॉस्पिटल पहुंच के मैं भी सुनाता हूं इसकी गाइस, आपको वाइस सुनाऊंगा, लड़की के पीछे कितना रो रहा होता है ये आशिक, देखो आशिक आता ही नहीं है। ये ना हम हॉस्पिटल आ गए हैं, इधर हॉस्पिटल नहीं है, ये ना हमारे इधर हेड पड़ जाती है। हेड पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा ना यार बड़ी तबीयत ख़राब थी, मैंने कहा थोड़ा सा इंजॉय वगैरह करते हैं, और ना ये बच्चे का ब्रेकअप हो गया था, इसको मैं इधर लेके आया था। अब देख के तबीयत बच के भाई, इधर भाई देख लें भाई किधर है ना, मैं सेल्फी, ओए ओए बदतमीज़, ऐसी बदतमीज़ी नहीं करते गाइस। इधर ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख के हम ना नहर के ऊपर आए थे, ये ना हमारे घर की तरफ जा रही है नहर, छोटी सी नहर जाती है इधर से, यहाँ से पानी मछलियाँ वगैरह खाने के लिए ना ऐसे करके देते हैं। तो भाई अब ये लड़की के लिए जंप लगा रहे हैं नीचे, तो ज़ोर से जंप लगाएगा भाई, यहाँ पे लगा भाई नीचे जंप। तो गाइस देख रहे हैं आप, और हम ये हम ट्रक मारने लगे हैं मोबाइल को मैंने बड़े तरीके से पकड़ा हुआ है, कहीं नीचे ना गिर जाए ऐसे। ओ कितना बड़े देख रहे यार, हम किधर आए हैं, और हम ना इधर हम मैं फ्रेश वगैरह हो लूँ, इधर हम कपल वाली वीडियो बनाएंगे पब्लिक के अंदर, ठीक है ना। तो देखने गाइस इधर यार, मतलब सारी फैमिली वगैरह आती होती है, मतलब देखने मतलब इधर फैमिली वगैरह बैठी है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट हमें शर्म आती है, हमें ना लड़कियां देख रही हैं, क्योंकि हम टिकटॉकर हैं ना, तो हमें लड़कियां देख रही हैं, बिलावल को देख रही है, मेरे को नहीं देख रही क्योंकि मैंने मुँह नहीं धोया हुआ। गाइस ये देखें मछलियाँ आ रही हैं, वो तैर रही हैं, देखना वो देखा, और तुझे नहीं कह रहा यार, ये क्या है, ये कैमरा लगा, नीचे पकड़ना बेटा कैमरा लगा, ये कैमरा है, ये कैमरा है। मेरा मोबाइल गिर जाएगा, चला थोड़ा सा तुझे आगे ले चलो, आ जा कुछ नहीं होता, आ जा उधर से आगे से चलते हैं। गाइस ये देख लो यहाँ पे ना सारे होते हैं, ये देखा इधर कोई भी नहीं है, हम सिर्फ दो अकेले आए हैं और इधर कोई भी नहीं आया है। इतना प्यारा मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है, मौसम भी बड़ा प्यारा बना हुआ है, और हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। भाई हमारे पास कोई वीडियो वगैरह बनाने के लिए कैमरामैन भी नहीं है, तो बच्चे को मैं रुला रहा हूँ इधर, आ जा भाई पीछे पीछे आ, वो हमारे साथ है, पता नहीं किधर गया, वो अंकल बुला रहे हैं हमें। चल भाई इनकी बात सुन लें गाइस, हमने थोड़ा फ्रेश भी होना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जो भाई हमें ना कमरे में, किधर लेके जा रहे हैं भाई? कमरे में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो फ्रेश वगैरह होना था ना थोड़ा, तो भाई ये बंद ही रखते हैं, कोई कोई आते हैं इधर, हाँ जी बंद ही रखते हैं इधर, अच्छा ज़्यादा बंद ही रखते हैं। बस यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, तो हम फ्रेश वगैरह हो लें, फिर एक मिनट यार रुक जा यार, मुझे पता है मैं तेरे को समझता हूँ। हाँ ये देख इधर ना गाय, पता नहीं किधर लेके जा रहा है,
ठीक है गाइस, मैं ना फ्रेश हो गया रहा हूँ, तो उसके बाद आपको दिखता हूँ। ये देखो मैं फ्रेश होकर जा रहा हूँ। ये देख रहे हैं हमारे इस्तकबाल के लिए भाई आए, बहुत शुक्रिया भाई जान। लेमन शेमन मंगवाने, कितना प्यारा बेड शेड लगा पड़ा है, देख रहे हैं गाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है बेटा जान, और ये गर्मी, अच्छा लैम्प है पड़ा, मैंने कहा वो ना हीटर चला दिया है, एसी शेसी लगा, देख लें भाई माँ। चल भाई बिलावल लेट मैं फिर हाँ, तो मतलब वीडियो शूट करने पर बहन जा रहा है। हाँ ये बात हुई ना, तो गाइस हम ना, मैं इधर फ्रेश होने जा, वाशरूम किधर, यही इधर कपड़े उठाए हैं, गाड़ी में कपड़े पड़े हैं यार मेरे, उठा के आओ। चलो ठीक है गाइस, फ्रेश हो लो, तबीयत फ्रेश कर लें, फिर हमने वीडियो बनानी बड़ी जल्दी हमें। गाइस मैं इधर हो गया हूँ फ्रेश, देख लें अपनी जल्दी देंगे थोड़ा सा। इधर हमने रूम लिया हुआ था, उधर हम फ्रेश वगैरह होना था, क्योंकि मैं ना सोया पड़ा था, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, कपड़े गंदे मंदे थे, तो कपड़े उठा के धोबी से जल्दी जल्दी हम हो गए फ्रेश। तो अभी हम ये यहाँ पे फैमिली स्टफ, फिर इधर मत देखो रजब फैमिली आई हुई है इधर, तो हम इधर ना वीडियो वगैरह शूट कर लें। गाइज मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ है, तो हम वीडियो शूट कर लेना, तो मेरी ये काजल इधर तैयार खड़ी है, तो इसके सामने वीडियो वगैरह बना लूँ, तो फिर हम चल अब तैयार हो जा। आ जाओ भाई, किधर आ जाओ भाई, आ जाओ गाइज हम वीडियो शूट कर लें। वो देखो सूरज बिल्कुल डाउन हो चुका है, तो हम जल्दी जितना जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी वीडियो शूट कर लें। ठीक है गाइज आगे मिलते हैं। तो गाइज नाजरीन एंड गाइज एंड हमने ना ये सारा कुछ कर लिया है, ठीक है, शूट वगैरह करनी थी, शाम का टाइम हो गया था, तो अब हमारा यहाँ पे ना खाने का टाइम हो चुका है। इधर हमारा जज साहब एक थे, तो उन्होंने हमारी की थी दावत। बिलाल भाई आराम से, क्या मुँह में पानी आ रहा है, बिरयानी आए हैं माशाल्लाह गाइज। ये ना हेड पे हम आए हैं, हेड नहीं होती वो जो जहाँ पे लोग घूमने आते होते हैं ना, सिदनाई हेड है ना, सिदनाई हेड है ना बिलावल भाई, न्यू हेड, हाँ न्यू हेड, जहाँ पे लोग काफ़ी आते होते हैं, पर उनकी एंट्री नहीं होती, हमारी एंट्री हुई है इधर, बड़ा अच्छे से प्रोटोकॉल मिला हुआ है। ये देखें होटल अपना बुक किया होता है यहाँ पे, यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल। बिस्मिल्लाह पढ़ो या अबू आएगा फिर, या आराम आराम से बिलावल भाई, आराम से खाना पे। गाइज हम पेट पूजा कर ले, उसके बाद ही लोग करते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज पता मेरे साथ क्या हुआ, मेरे इतना हो गया सर में दर्द, वो जो आपकी गाड़ी चलाई ना मैं, वो गाड़ी चलाने के बाद मुझे आ गया चक्कर, इतना मेरे सर में हो गया ना दर्द, मुझे सर दर्द के बाद हो गया जुकाम, जुकाम के बाद नजरा लग गया अचानक ही। बिलावल ओए बिलावल हेलो, आज पता मेरे साथ क्या हो गया, तू पूछने नहीं आया मेरे को, आज मेरा इतना सर फटने लग गया कसम से, मर के आ गया, मैं सांस भी नहीं लिया जा सकता, मैं आज इतनी तबीयत खराब होगी ना, इन लोगों ने पूछा नहीं, बस इन लोगों को खाने पीने की और कोई बस नहीं है। मैंने भाई की गाड़ी चलाई थी, वो मैंने ठोक दी ना, तो वो मेरा सर उधर जा लगा, उसी दिन से चक्कर आया आया ना, मैं अब ये हॉस्पिटल आया बैठा हूँ, हॉस्पिटल वालों ने बोला कि पहले खाना वगैरह खा लो, उसके बाद जो हमारा ना अभी मुझे ले जाएंगे अंदर। तो अच्छा तो गाइस हम ना अब जाने लगे हैं, तो ठीक है अभी लोग किधर करते हैं, क्योंकि यार आज मेरी ना काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से यार मैं पता नहीं पूरा दिन कैसे गुजरूँ, और अल्लाह का करम हुआ आज मौसम भी बहुत प्यारा बना हुआ था, तो कसम से थोड़ा सा रेस्ट हो गया, गर्मी भी इतनी नहीं थी, सुबह सुबह आप बता रहा था, तो फिर इधर हम थोड़ा सा घूमने के लिए आ गए थे, यहाँ पर हेड पर आए हुए थे, आपको बताया था दिखाया था इधर, फिर हमें बोर हो रहे थे हम घर पर, तो भाई लोग आए थे वो मुझे लेके गए थे, तो फिर हम इधर दरियाए देखने के लिए इधर आए हैं, देख लें अंधेरा काफ़ी है ना, मतलब इधर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही मतलब इधर अब जा रहे हैं हम अपने घरों को। यार मेरे को पता नहीं था, वो मेरे पीछे ना फैमिली बैठी है, मैंने उनको देखा नहीं, पता नहीं कौन थे, मुझे अब जाके नज़र आया, अंधेरा है ना काफ़ी ज़्यादा। तो ठीक है गाइस अब हम जाने लगे हैं घर, तो मिलते हैं कल, मिलेंगे अगले व्लॉग में, तो थका हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो इधर थोड़ा इंजॉय करने आया था, तो दुआ करो यार बारिश आ जाए, क्योंकि बारिश की बड़ी ज़रूरत है, और काफ़ी तबीयत ख़राब थी, अब थोड़ा सा ना घूम के ना थोड़ा सा सुकून मिल गया, पता नहीं क्या वजह थी क्या नहीं, तो देख लें गाइस फिर इधर आए हैं यहाँ पे हेड के ऊपर। यार क्या रिज़ल्ट को क्या हो गया, ये हार्ट अब सही आ रहे हैं मेरे, मतलब बाकी सारे ब्लैक ही ब्लैक। ठीक है गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, मेरे को दो इजाज़त, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल को दबा देना, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।